झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हमेशा की ही तरह इस बार विवाद तो नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस वोटिंग से झारखंड के विधायक बाज नहीं आए। झारखंड के 79 विधायकों ने वोट किया। भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश के पास भाजपा के 26, आजसू के 2, निर्दलीय 2, मिलाकर कुल 30 वोट थे, जबकि दीपक प्रकाश को 31 वोट हासिल हुए हैं। वहीं झामुमो के प्रत्याशी शिवू सोरेन को झामुमो के 29 और राजद के सत्यानंद भोक्ता का वोट हासिल हुआ है। वहीं माले के विनोद सिंह, निर्दलीय प्रदीप यादव, बंधु तिर्की सहित कांग्रेस के प्रत्याशी शहजादा अनवर को 18 विधायकों का वोट हासिल हुआ है, लेकिन इन सबके बीच एक वोट दीपक प्रकाश को अधिक मिला, यानी महागठबंधन में रहते हुए भी एक विधायक ने भाजपा के पक्ष में वोट करके एक बार फिर झारखंड के राज्यसभा चुनाव को कलंकित कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक विधायक महागठबंधन का कौन है जिसने भाजपा के पक्ष में वोट कर गणित को ही गड़बड़ा दिया है। एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में कमलेश सिंह के साथ 6 निर्दलीय विधायकों की भूमिका पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कमलेश सिंह का कहना है कि वह यूपीए के साथ हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर को ही उन्होंने वोट किया है। देखिए, ऐसा है कि हमारा पार्टी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी का अपना एक अलग महत्व रहता है। हमारे माननीय अध्यक्ष शरद पवार जी का जो आदेश है उसका पालन किया। अरे किसी के साथ में तो क्या आदेश होगा, शरद पवार जी का जो आदेश मिला है कि आपको वोट करना है, नहीं हम ज़्यादा नहीं। वहीं भाजपा के एक वोट अधिक होने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ता पक्ष के विधायकों को यह पच नहीं रहा है कि आखिर किसने महागठबंधन को धोखा देकर भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश को वोट कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो खुलेआम भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। अब चुनाव में भी खरीद फरोख्त करने का काम में लगे हैं। आपने देखा इस देश में संक्रमण के दौर में भी सरकार उठा पटक करने का काम इन लोगों ने किया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जिस तरीके से विधायकों को ये खरीद फरोख्त करते हैं, मुझे लगता है इस विषय में भी दल बदल कानून और विधायक खरीद फरोख्त पर भी कड़ा कानून बनना चाहिए। आज जिस तरीके से जनता के भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, आज इस विषय पर भी बहस चर्चा होनी चाहिए, ताकि धन बल का प्रयोग लोकतंत्र में ना हो सके। आंकड़े उनके पास कहाँ थे ये हमें बताइए, उनके पास कौन से आंकड़े थे? उनके पास एक भी आंकड़े थे जीतने के लिए? बताइए, एक भी कैंडिडेट उनका जीतने के आंकड़े थे उनके पास? आज किनसे इन लोगों ने वोट लिया है मैं जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। क्या उनके सहयोगी थे? क्या उनके गठबंधन के लोग थे? आज किनका वोट इन लोगों ने लिया है? हमने इस सोच के साथ अपना दूसरा प्रत्याशी उतारा कि बीजेपी विरोधी विचारधारा एक हो, और आज इसने फिर से अपने पैसे की ताकत दिखाई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, इसको भी समय आने पर हम लोग करारा जवाब। भाजपा के नेता भी यह कहते नहीं थक रहे हैं कि झामुमो के अध्यक्ष शिवू सोरेन को महागठबंधन ने परेशान किया है। भाजपा का इशारा कांग्रेस की ओर है। अब सवाल कांग्रेस पर भी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी शहजादा अनवर को एक वोट कैसे कम हो गया और इस तरह से केवल क्यों 18 वोट ही आए।
जबकि कांग्रेस के पास एनसीपी का भी समर्थन था। वहीं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में निर्दलीय विधायक वोट देकर खुलेआम घोषणाएं भी करते हुए दिखे। जो संदेह रहता है लोगों में, मन में जो पास रहता है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव बन गया, ताकि किसी के मन में कोई मेरे ना कि मेरे को कोई पूछे कि आप वोट किसको डालना चाहते हैं, कैसे डालना चाहते हैं, और एक गलत संदेश जो जाते रहा निर्दलीय प्रति, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मैं प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी का पहले बन चुका था, निश्चित रूप से वोट। सवाल बड़ा है कि झारखंड आखिर इतना राजनीतिक रूप से इस बार अस्पष्ट होने के बावजूद भी आखिर क्यों क्रॉस वोटिंग के दाग से एक बार फिर नहीं बच सका। बड़ा सवाल यही है कि आखिर झारखंड के विधायक कब तक क्रॉस वोटिंग का सहारा लेकर दूसरे प्रत्याशियों को वोट देते रहेंगे। सहयोगी उपेंद्र के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।